स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का ग्रुप आपको पता चल गया है? Yes, ma'am. आपको 6-6 के ग्रुप में रहना है? Yes, ma'am. ठीक है. अकेडमिक कैंपस से हम स्टार्ट करेंगे एक्सकर्शन और पूरे कैंपस में घूमकर आप सैंपल कलेक्ट करेंगे. Yes. ठीक है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया है उनका. Yes, ओके मैम, एक्सकर्शन करवा रहे हैं इनको. एक चैप्टर पढ़ा है न्यूट्रिशन एंड प्लांट, उसमें डिफरेंट पिगमेंट की लीव्स कलेक्ट करनी है और सेप्रोफाइट कलेक्ट करना है फंगस. यहाँ पर एक एडिबल मशरूम है इनका, तो एडिबल मशरूम कलेक्ट कराऊंगी, तो उसके लिए कैंपस में लेके जाऊंगी एक बार रोटेशन. सो बच्चे, यहाँ पर हमने मॉर्निंग में पढ़ा था कि जो भी ग्रीन पिगमेंट कैरिंग लीफ होती है उनके अंदर कैसा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल. बट अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल, जैसे आप देख सकते हो इस लीफ के अंदर, क्या आपको पूरी ग्रीन दिख रही है ये वाली? No, नहीं दिख रही है. मींस यहाँ पर क्लोरोफिल के अलावा भी आपके कलर्ड पिगमेंट होते हैं. कैसे पिगमेंट होते हैं? कलर्ड. अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये लीफ फोटोसिंथेसिस कर सकती है? फोटोसिंथेसिस कर पा रही है तभी ये सर्वाइव कर रहा है ना. Yes, क्योंकि फूड बन रहा होगा. सो यहाँ पर आपके ये कलर्ड पिगमेंट भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. बट द डिफरेंस इज कि जो क्लोरोफिल होता है वो ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करता है और ये वाले पिगमेंट्स आपके कम वेवलेंथ की सनलाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं. ठीक है. सो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस लीफ को कलेक्ट करना है, जहां पर आप देख रहे हैं कि आपका बीच में आपका ग्रीन है और साइड में कैसा है? पेल येलो व्हाइट सा है ना. तो ये आपको लीफ एक कलेक्ट करनी है. कलेक्ट करने का तरीका, वैसे हम ट्विग्स कलेक्ट करते हैं पर पेड़ क्योंकि हमारे पास कम है तो हम ट्विग्स कलेक्ट नहीं करेंगे. हम यहाँ एक एक लीफ कलेक्ट करेंगे. ठीक है. आपको लीफ को ना ये बिल्कुल एंड है जो यहां से निकालना है इस तरह से. ठीक है. और आपकी कॉपी में कैसे रखना है? एक कॉपी दिखाओ, आप दिखाओ बच्चे. यहाँ देखो, आपके जो लीफ है ना, जब कॉपी में रखोगे ये मुड़नी नहीं चाहिए. हर्बेरियम में मुड़ती नहीं है. ठीक है. तो आपको कॉपी में रखना है इसको. इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करना, सीधा जैसी है. ठीक है. और फिर आपको पेपर ऐसे फोल्ड कर देना है. ठीक है. आप कोई अगला पेज निकाला जहां पर आप दूसरा लीफ को प्लेस करेंगे. क्लियर है सबको? Yes, पत्ती मुड़नी नहीं चाहिए. ओके. Yes, चलिए आइए गर्ल्स, कलेक्ट करिए. एक एक ही लीव करना है बच्चा. गुड, आपका हो गया है. उसमें कौसर आ जाओ और ध्यान रखिए जहां पर ज्यादा आपको पिगमेंट दिख रहा है ना, नीचे वाली लीव में ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, वो कलेक्ट करिए. चलिए इस वाले लॉन में जाना है आप लोगों को. नाउ सी, इस कंप्लीट लॉन से आपको ज्यादातर मोस्टली कैसे दिख रही है लीव्स? ग्रीन दिख रही है. आपको ग्रीन कलेक्ट करनी है, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है. आप ऐसा प्लांट कलेक्ट करेंगे जिसका आपको नाम पता हो. जैसे कि आपका रोज का नाम आपको पता है? Yes, पता है ना सबको. ओके. इसके अलावा आपका वो जो पौधा दिख रहा है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है खंबे के पास, ये पाइन का पौधा है. पाइन सबको पता है ना. Yes, आप पाइन की लीव्स कलेक्ट कर सकते हो. तीसरा ये वाला जो पौधा दिख रहा है, ये नीरियम का पौधा है, ये कलेक्ट कर सकते हो. या फिर आपका ऑप्शन है, आपके ग्राउंड में यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है. मैं दिखाऊंगी, सान नहीं करना क्योंकि स्ट्रॉबेरी आनी चाहिए. ठीक है. आपको कलर्ड लीफ करनी है और कलर्ड लीफ आपको पर्पल कलर की. टर्न करो, सारे टर्न करो जहाँ खड़े वहीं पर. ये पौधा दिख रहा है बच्चा? Yes, कैसी लीफ है इसकी? पर्पल. ये यहाँ पर है और हम जाएंगे बीच में. आपकी जो ग्रास होती है ना, वो भी कई जगह पर पर्पल दिखेंगी. उनकी लीव्स हम वो कलेक्ट करेंगे. तो जितने बच्चों से ये कलेक्ट हो ये करें. ठीक है. ग्रीन करना है और पर्पल करना है. कोशिश करनी है अलग अलग तरह के प्लांट्स कलेक्ट करें. Yes,
ये ट्विग तोड़नी है, ये वाली, बस कांटा ना लगे। पकड़ियो यासीन एक बार ऊपर से, हल्का सा पकड़ पौधा। हाँ ये ट्विग तोड़ ली रोज की, ठीक है। ये ड्राई होके सुंदर लगेगी आपके हर्बेरियम में। ये चीज तोड़ो यहाँ से, तो ये एक पूरा पत्तियों का गुच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा, ये आया। हाँ अब इसको प्रेस करोगे तो मुड़ना नहीं चाहिए। ये सारी आपकी स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है। यस मैम। और इसमें फ्लावरिंग आ रखी है, अभी फ्रूटिंग हो जाएगी। और एक और चीज, स्ट्रॉबेरी में ना अगर आप एक पौधा लगाते हो ना, यस मैम, तो वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे ही नीचे फैल जाता है। तो अगर आप छोटे से एरिया में लगाओगे ना, जैसे कहीं यहाँ लगाई होगी, ये पूरी वहां तक आगे तक वहां पूरी फैली हुई है। क्योंकि आपका एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि पौधा अंदर ही अंदर, कई पौधे होते हैं जो रूट से बढ़ते हैं, ये स्टेम से बढ़ती है, इसकी स्टेम अपने आप ही अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आप जो कलेक्शन करेंगे दैट इज ऑफ लाइकन। किसके करेंगे? लाइकन। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गा और फंगस के बीच में। सिम्बायोटिक होते जहां दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो। एल्गी सबको पता है एक तरह का प्लांट होता है, तो एल्गा उसको फूड बना के देता है। और फंगस सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जो कैटेगरी बड़ी, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सेप्रोफाइट होता है। क्या वो खुद फूड बना सकता है फंगस? नहीं बना सकता। तो एल्गी उसे देता है फूड बनाकर, और फंगस उसे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट। तो आप जो नेक्स्ट सैंपल देखेंगे, नेक्स्ट स्पेसिमेन देखेंगे, दैट इज ऑफ लाइकन। किसका देखेंगे? ठीक है, चलो। जो कलेक्ट कर रहे हो ना साइड से, तोड़ के लाओ एक बचा। ये आपका लिली है, अभी सीजन है ना, आप ये भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी ग्रीन लीफ है ना, आपका ये ट्री ट्रंक देख रहे हो। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें आपके ये जो व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये आपके लाइकन्स होते हैं। ये भी लाइकन है जो आपको दिख रहा है व्हाइटिश, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना येलो वाला, ये भी आपके लाइकन्स है। एक बार ट्राई कर लो, जाओ। जो नेक्स्ट कलेक्शन जो हम कर रहे हैं दैट इज ऑफ एडिबल मशरूम, जो एक तरह की फंगस होती है, क्या कहते हैं आपके लोकल लैंग्वेज में? शाजकंज। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम होता है जियोपोरा, और उसकी सब्जी बना के खाते हैं ना। तो आपको वो मेरे लिए कलेक्ट करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये आपका सॉइल में दिख रहा है यहाँ पर, दिस वन, ये आपका सेप्रोफाइट है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सारी सड़ी गली चीजें होती है ना, यहाँ पर ग्रो करता है। और ये आपका एक तरह का एडिबल मशरूम है, ये आपको जगह जगह दिखेंगे। थोड़ा थोड़ा हटाओगे ना, अब निकालने का तरीका बच्चा, हाथ गंदे मत करना, वैसे तो हाथ से भी निकल जाएगा, वरना एक पकड़िए, फोन पकड़, वरना एक लकड़ी लेना, ऐसे टूट जाएगा वरना, ठीक है। एक लकड़ी लो और थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, ये देखो ये निकल गया। अब मैं इसको हटा के दिखा रही हूँ, इसको बहुत ज्यादा वॉश किया जाता है, क्योंकि अभी बारिश हो गई ना, मिट्टी ज्यादा लग गई है। इसको तोड़ना नहीं बच्चा, मिट्टी हटाओगे ना, बिल्कुल आराम आराम से हटानी, बस इतना क्लीन करके छोड़ देना। ये आप देख रहे हो, दिख रहा है? Yes, ma'am. ये आपको कलेक्ट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप... मिला आपको? ज्यादा दूर नहीं जाना है, वेरी गुड, बहुत ज्यादा कलेक्ट किया, गुड। ये तोड़ो मत, आराम से रखो, गुड, तोड़ना नहीं, मिट्टी बाद में हटाएंगे, इसमें को पानी में डालेंगे ना धुल जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कलेक्ट करके लाया, गुड बच्चा, गुड। हल्का हल्का हटा रोहन, धीरे धीरे हटा, बस ये वाली मिट्टी का लेयर हटा, गुड 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 महाराज, गुड बच्चा। आप लोगों ने तो फटाफट ढूंढ दिए, वेरी गुड।
गुड, बहुत ज्यादा कलेक्ट किए। याद देखो इन्होंने एक और टाइप का मशरूम कलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। ऐसे आपके जो मेढक रहते हैं ना, बोलते मेढक की छतरी है, तो वैसे भी बहुत मशरूम होता है। अगर आप देखेंगे ना इस मौसम में, आपको बहुत अलग अलग तरह के मशरूम्स या हम कहे फंगस देखने को मिल जाएंगे। पर इसे मत डालना, ये एडिबल नहीं है, हमें पता नहीं कौन सी स्पीसीज है, तो जिसके बारे में नहीं पता उसको यूज नहीं करना, क्योंकि आपको बताया है सारे मशरूम एडिबल होते हैं क्या? नो मैम, नहीं होते, पॉइजनस भी होते हैं। तो जिसकी पूरी नॉलेज है हम सिर्फ उसे यूटिलाइज करेंगे, ये रखेंगे एज अ सैंपल बस दिखाने के लिए, ठीक है? लास्ट में कलेक्शन के साथ आपके पिक करूंगी, रखो। बा